नंबर थर्टी नाइन पढ़ने वाले हैं शायद तो प्लीज शेयर कीजिए यस लेता अथेह धनिया भगवंत इतम यद वा अखिल लोकनाथे कुर्वंती सर्वात्मकम आत्म भाव नयत्र भूयः परिवर्त उग्र पढ़िए कौन पढ़ेगा अनुवाद तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए माता जी इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः त्याग हो सकता है क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आहलाद कार्य प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा आगे करो नीचे की कर, गारंटी प्राप्त होती है तात्पर्य हाँ। यहाँ पर सोच गोस्वामी स्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की के, के प्रशंसा उनकी दिव्य प्रतिज्ञी के आधार पर की गई है जैसा कि पहले कहा जा चुका है केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं अन्य कोई नहीं जान पाता अतः भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है निराकार तथा अंतरयामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में उनकी नानक शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है अतः भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है भगवान का शत प्रतिशत जन्म ग्रहण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चे रहता है हाँ। तो सूत्र स्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करता है कैसी जिज्ञासा कि भगवान कौन है जैसा सोनका ने भगवान के बारे में पूछा ना कि भगवान का अवतार कैसे होता है तो प्रपा जी हम पहले भी पढ़ चुके तात्पर्य में कि प्रपा लिखते हैं ये प्रत्येक मनुष्य या जीव इस संसार में कोई ना कोई प्रश्न पूछता है सुबह उठते हम प्रश्न पूछते हैं भाई खाना कहाँ है भोजन कहाँ है भाई मेरा कपड़े कहाँ है तो ऐसे अलग अलग प्रश्न हम लोग पूछते हैं दिन भर में फिर हम लोग पैसा कैसे कमाए क्या घर में लाना है क्या करना है ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रश्न हम पूछते रहते हैं और जिनके उत्तर हमें मिलते रहते हैं और हम फिर प्रश्न पूछते रहते हैं तो इंसान प्रश्न उत्तर से ही भरा पड़ा है और बिना प्रश्न पूछे वो जीवित भी रह नहीं सकता लेकिन शास्त्र कहता है कि ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो आपके आपको जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकाल दे वो प्रश्न क्या है जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य पूछते हैं के के नापतर ना है? मैं कौन हूं मुझे क्यों ये तीन प्रकार के जो ताप है आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश ये मुझे क्यों सताते हैं क्यों मुझे तडपा रहे हैं चीजें, तो ये सब प्रश्न जब एक व्यक्ति पूछता है तब वो जान पाता है कि अरे हम कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है ये तो बहुत लोग मंदिर आते हैं बहुत लोग भगवान दर्शन लेते हैं बट वो क्या पूछते हैं भगवान मेरी बेटी की शादी कब होगी भगवान मेरा घर में धन कब आएगा भगवान मुझे कब पीएचडी डिग्री मिलेगी भगवान मेरा कब ये समस्या सॉल्व होगा हम सब यही प्रश्न पूछते रह जाते हैं। तो लेकिन क्या पूछना चाहिए भगवान से भगवान क्योंकि हमारा जो सारी समस्या का जो जड़ है वो ये है कि हम इस भौतिक शरीर में तो अगर हम ये प्रश्न पूछे भगवान से भगवान कैसे हम इस संसार के जन्म चक्कर से बाहर निकले तो जब ये चीज सॉल्व हो जाएगी तब तो पूरी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी तो टेम्पररी प्रॉब्लम को सोल्व करने के विषय में प्रश्न पूछना ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है बट परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हम लोग को तो ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं कि साधु महात्मा से या किसी जब कोई प्रपात बुक पढ़ते हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा होती है तब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए काबिल हो जाते हैं नहीं तो क्या होगा बार 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 वही प्रश्न आते रहेंगे और फिर से पुनर्जीवन बार बार वही जीवन जीना पड़ेगा बार बार ये कष्ट खत्म हो जाएंगे हमको लगता है कि एक समस्या तो अब, अब हम चैन से कभी नहीं रुकेगी हमेशा तेरेगी तो इसलिए वंस एंड फॉर ऑल कृपा जिसके बोलते एक जीवन एक जीवन कृष्ण को दे दिया वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो समस्या को एंड देन भगवान के साथ भगवत धाम में आराम से एकदम हमें रहना है ये होना चाहिए सा जिज्ञासा है ना तभी जा करके हम सही में मनुष्य के लाएंगे तो प्रभु जी कहते हैं कि ऐसे जो इंक्वायरी होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल एक्सटेटिक लव भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को उत्पन्न करते हैं जो समस्त ब्रह्मांडों के नायक है और वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से हंड्रेड गारंटी देते हैं कि हम भगवान हमें भार ले आएंगे तेसा महम समर्ता मृत्यु संसार सागरात मैया पार्थम चेतसाम तो क्या है तो तेसाम तेजाम क्या हो गया अपने जो है भगवान अपनी कृपा से जो है अहम अज्ञान जबता हाँ भगवान बोलते हैं कि मैं मृत्यु संसार वर्तमानी मृत्यु संसार से जो है अपने भक्तों को बहुत चिरात पार्थ बहुत जल्दी और सुलभ भी बोलते हैं सुलभ पार्थ बहुत सुलभ बहुत आसानी से लेके चला चलाता हूं जो तेसाम अहम था, अहम समुद्रता मतलब मैं मैं लेके जाता हूं, जो मेरी भक्ति करते हैं है ना तो इसलिए यहाँ पर रप जी बता रहे हैं कि अंत परसेंट ड्यूटी ऑफ लॉर्ड इज इम्यून जो पूर्ण रूप से भगवान और शरणागत है वो मृत्यु के जन्म चक्कर से इम्यून है मतलब बच चुका है वो ठीक है नेक्स्ट इदम बहुत अच्छा श्लोक है ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महा पढ़िए बहुत हिट श्लोक है श्रीमद भागवतम का युला हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ पढ़िए माता जी यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य साहित्य अवतार है जिसे भगवान के अवतार ने संकलित।, संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है तात्पर्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए हैं, दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है अतयव यह उनसे अभिन्न है हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं हम इसके सचे धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पर ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है बस शर्त की हमें इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम में माध्यम से ग्रहण करें पूरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध गुरु है और फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान से साक्षात संपर्क से मिल सक मिल सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण पर थोड़ा दीजिए भागवतम पुराण तो ये जो है ये भागवत जो है भागवत नाम का जो पुराण है भागवतम नाम पुराना ब्रह्म समितम ब्रह्म समितम मतलब का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का अवतार रही है तो जैसे आपको पता ही है कि भागवत के जो बारह स्कंद है वो भगवान के शरीर के एक एक अंग है जैसे भागवान के भागवत के पहले प्रथम जो दो स्कंद है वो भगवान के दो चरण कमल है लेफ्ट राइट right, दाएं बाएं फिर जो तीसरे और चौथे स्कंद है वो जांग है भगवान के लेफ्ट राइट right, जांग फिर जो पांचवा है वो भगवान का जो है ने नेवल है, है ना भगवान के ने, वो घुटने हाँ नाभि पांचवा छठा वक्ष स्थल है ठीक है फिर सातवा जो है आ, नहीं दो पाँव दो घुटने फिर जांग फिर नाभि, फिर वक्ष स्थल फिर कंठ और फिर सुंदर चेहरा फिर ललाट और फिर जो है भगवान का सिर तो ऐसे करके जो है भगवान के बारह स्कंद जो है पूरे भगवान के बारह शरीर के अंग है तो ये भागवत जो है भगवान का वांग्मय शरीर है इसीलिए अगर मान लीजिए कभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास भगवान की कोई मूर्ति नहीं है वो नहीं तो आप बुख ग्रंथ को भी भोग लगा सकते हो इसलिए भागवत की पूजा होती है भागवत की आरती होती है है ना तो ये ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम उत्तम श्लोक मतलब द बेस्ट ऑफ द वर्ड्स सभी उत्तम श्लोक में इसको लिखा गया है और इसमें देखिए कितना मस्त निश्रेय साय लोकस्य किन प्रकार के लोगों के लिए लिखा गया है निश्रेयसाया तो इसका मतलब है अल्टीमेट गुड एक व्यक्ति के लिए परम कल्याण के लिए इस भागवत को लिखा गया है और इसको पढ़ने से क्या होगा तीन चीज बताया गया है स्वस्ति धन्यम स्वस्ति अयनम महत तो धन्य मतलब जो व्यक्ति इस भागवत को पढ़ेगा फुल्ली अपने एंडेवर में सक्सेसफुल होगा वो जो भी कार्य के लिए संकल्प किया है वो पूर्ण होगा ऑल स्वस्थि वो व्यक्ति पूर्णतया दिव्य आनंद की अनुभूति करेगा एंड महत ऑल परफेक्ट तो ये जो है ये परफेक्ट है तो ये भागवत जो है अयन धन्यम स्वस्ति अयनम महत ऑल सक्सेसफुल ऑल ब्लिसफुल एंड ऑल परफेक्ट ये है श्रीमद भागवत तो स्वरूप दामोदर के पास जभी भी कोई आ, कोई ग्रंथ लेके जाते थे तो चैतन्य महापुरु को सुनाने के पहले वो सौरुदामोदर के पास रिव्यू होता था और अगर सौर दामोदर उसको पास करते हैं तो ही वो महापुरु के सामने सुनाया जाता था तो इसलिए जो भी लोग इसलिए एक बार सौदामोदर बता रहे थे कि भागवत भागवत गिया भागवत भागवत पढ़ भागवत स्थाने एक महाभागवत के चरणों में रह करके ही श्रीमद भागवत का पाठ करना चाहिए तो कई लोग जो है अपने मन मर्जी मन घर तरीके से भागवत पढ़ते हैं और फिर उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम क्यों भक्त नहीं बन पा रहे तो आपको भक्तों की सहायता लेनी ही पड़ेगी भागवत पढ़ने के लिए हम अपने आप से पढ़ करके स्वलर नहीं बन सकते ये संभव नहीं है हम लोग को भक्तों का ही स्थान भक्तों का ही हम लोग को वो लेना पड़ेगा एक बार क्या हुआ देवानंद पंडित करके एक बहुत बड़े भागवत के कथाकार थे तो वो ना एक भागवत कथा करते बहुत लाखों लाखों लोग आते थे उनके कथा में और बहुत सुंदर तरीके से वो जो है व्याख्यान करते थे भागवत की तो क्या हुआ श्रीवास ठाकुर एक बार देवानंद पंडित के भागवत चल रही थी बड़ा पंडाल भरा हुआ था और बाहर में वो जो है श्रीवास ठाकुर खड़े होकर सुन रहे थे तो एक्चुअली वो जब पूरे क्राउड में थे बैठ सुन रहे थे तो सुनते सुनते ना वो स्तब्ध हो गए तो उनके आंख सांस होने लगा अस्ट साथ विकार आने लगा और वो डांस वंस करने लगे वहां मतलब थोड़ा वो पूरा अस्ट भाव में आ गया वो ठाकुर तो बाकी लोग जो थे वो लोग सोचे क्या नाटक कर रहा है कोई तो देवानंद पंडित ने उनको देखा तो कथा में थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस होगा तो उन्होंने कहा इसको बाहर निकाल दो तो श्रीवास ठाकुर को बाहर निकाल दिए मतलब वो लोग उस पंडाल से सोचिए क्या दुर्भाग्य है जिसके लिए भागवत कह रहे हो वैसा शुद्ध भक्त आया और वो पहचान नहीं पाया वो लोग तो फिर क्या हुआ जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रुवान पंडित आए तो महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया महाप्रभु ने कहा तुमको भागवत का भ भी नहीं नहीं आता तुमको कुछ नहीं पता भागवत के बारे में तुम भले ही बड़े पंडित बन चुके हो लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो तुमको कुछ तो क्योंकि तुम भक्त की तुम भक्त को सम्मान नहीं दे पाए अपने भागवत कथा में तो तुम्हारी क्या वैल्यू है तो मैं नहीं मानता तुम्हारे इस भागवत कथा को तो अभी देवानंद पंडित का तो बड़ा अपराध हो गया था महाप्रभु बहुत नाराज हो गए थे तो फिर क्या हुआ उसने क्या किया एक बार वक्तेश्वर पंडित जो बहुत डांस करते थे उनका रिकॉर्ड है आवर्स घंटा नाचे थे महाप्रु के साथ उन्होंने तो उनका रिकॉर्ड है ये बहत्तर घंटा एक साथ डांस करना भगवान के संकीर्तन में तो वो एक बार डांस करे थे ऐसी कीर्तन में और देवानंद पंडित ने क्या करे थे ना देवानंद पंडित उनके डांस को रोक मैंने कोई बाधा ना आए इसके लिए फेंसिंग कर रहे थे फेंसिंग मतलब उनके चारों तरफ घूम घूम के लोगों को हटा रहे थे और उनके लिए बढ़िया डांस लिए जगह बना रहे थे और फिर बाद में उनके चरणों का धूल ले लिया तो ये महाप्रु दे बड़े खुश हो गए तो उन्होंने का, उन्होंने देखा कि भक्त की सेवा कर रहा है। सेवा कर कर रहा रहा है है मिनियल तब महाप्रु ने उसको माफ किया कि अब तुम जाए इसलिए महाप्रु ने कहा कि तुम जब तक तुम एक भक्त के वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो तुम भक्त को आदर नहीं करते हो तुम्हारा भागवत पढ़ना बेकार है इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए भागवत समझने के लिए भागवत एक महाभागवत से ही पढ़ना पड़ेगा इसमें और एक लीला भी आती है जब गदाधर पंडित एक बार गदाधर पंडित जो है वो गए थे पुंडरिक विद्यानिधि के पास तो उनको मुकुंद दत्त लेके गए थे तो क्या वह गदाधर पंडित ना जब गए तो पुण्ड्रिक विद्यानिधि जो थे वो ना एकदम आलिशान घर में रह रहे थे बड़े एकदम सॉफ्ट सोफे में बैठे हुए थे उनके आ, बहुत सारे नौकर सेवा कर रहे रहे थे, थे, फिर वो पान चबा रहे थे। और पान को थूकने के लिए चांदी का एकदम मतलब एक कर्मी जैसा जीवन तो गंडित जैसे जैसी देखे बोला रे की मुकुंद तो बोला था कि कोई महाभागवत के पास लेके जा रहा है मेरे को ये मैं कहा गया उनके मन में एक प्रकार का थोड़ा सा भाव आ गया ऐसा देख करके पुण्ड विद्यानिधि को तो मुकुंद समझ गए उसका थोड़ा मुंह बनने लगा गदार पंडित जी का हफकस गदार पंडित खुद राधा रानी का अवतार है और कौन है पुंडर विद्यानिधि वो वृक्ष भानु है राधा रानी के जो पिता थे वृष्ठ भानु वो गौर लीला में चेतन महाबुल लीला में पुण्डर विद्यानिधि बन के आए तो क्या हुआ जब इन्होंने देखा मुकुंद ने तो मुकुंद ने क्या किया एक श्लोक बोला भागवतम का अहो बकियम सनकाल जिग्गाम श्लोक है भागवत में इस श्लोक में बताते हैं अरे मैं कैसे उस महान भगवान कृष्ण गुणगान करूं कितना गुणगान करूं जो जिसको एक पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी लेकिन दूध समझ के उसको पिया और उसको अपने आध्यात्मिक जगत में धात्री एक माँ का स्थान दिया ऐसे महान कृष्ण ही एक शरण मात्र योग्य है व्यक्ति है जिनकी हम शरण ले सकते हैं ओह जैसी यह श्लोक बोला उन्होंने ये तो पुण्डरी विद्यानिधि पूरा उधर सारा कपड़ा उपड़ा अपना मैंने जो भी फेंका ये पान फेंक करके लोट पोट होके पूरा पूरा ऐसा सात्विक विकार इनके अंदर आ गया पूरा आंखों से आंसू बहने लगा एकदम और सब पूरा पागल हो गया मतलब एकदम उन्मत्त भाव उनके अंदर प्रकट हो गया ये उदाहरण ये क्या है ये क्या हो रहा है बोले ये है महाभागवत कि भागवत का एक श्लोक सुनते ही तो है तुरंत जो है उनके अंदर ये भाव हो जाता है तो इसलिए क्या है ऐसे महान भक्तों को पहचानना ही बड़ा मुश्किल है कभी कभी तो इसीलिए एक महान भक्त को पहचानने के लिए भी आपको भक्त की सहायता लगेगी अफकोर्साता पंडित फिलहाल राधा रानी है तो फिर ये अपराध जो उनके मन में खाली मन में आया था पुंडर विदानी को इस अपराध को भजन करने के लिए उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा से पुंडी से दीक्षा ली उनको गुरु बनाया और उनकी सेवा करी तब जाके वो एक भक्तों को जज करना बड़ा ही मुश्किल है मतलब बहुत कठिन काम है ये इसलिए भक्तों के साथ रहना और उनको समझना करना बहुत मुश्किल है हमें कुछ पता नहीं चलता कौन किस स्तर पे सेवा कर रहा है क्या भाव है किसका क्या ये है हम लोग ऐसी किसी को कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी कर देते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट इट इज़ आसान नहीं है और जब तक हम एडवांस ड्यूटी के साथ नहीं रहेंगे हमको पता नहीं चल कौन एडवांस है कौन एडवांस नहीं है हम अपने भौतिक स्तर से जब लोगों को आकर आंकना शुरू कर देते हैं तो हम उन पर भौतिक चेतना ही लगाते हैं और इसके कारण हमारा भी नुकसान हो जाता है तो इसलिए जो है यहाँ पर बता रहे हैं प्रभा जी कहते हैं कि एक बोनाफाइड आचार्य के ही चरणों में जाकर के हमें भागवत पढ़ना चाहिए तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद जी कृपा से आज हम उनके शेल्टर में रह करके ये भागवत पढ़ रहे हैं श्रवण कर रहे हैं उनके परपोट से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी का शेल्टर हमें लेके रखना है जीवन भर तभी जाकर के अगर हम उनको सेंट परसेंट उन्होंने कहा ना सेंट परसेंट डिवोटी तो हंड्रेड परसेंट प्रोपर्टी को फॉलो करने का प्रयास करें क्या, क्या, कंफ्यूजन ही होगा एक पथ को हम फॉलो करते हुए चले और एकदम निष्ठा से आगे बढ़ेंगे तो जरूर रिजल्ट गारंटेड रिजल्ट आएगा ये प्रॉपर्टी का वादा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्टी वन तदिदम ग्राह्य अमास सुतम आत्मवताम वरम सर्व वेदे वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम पढ़ी हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ पढ़ी माता जी स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाम्य तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया तात्पर्य अल्पज्ञ लोक संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 सौ ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं यह तथ्य नहीं है पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं जो न केवल इस लोक से अपते इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है लेकिन शायद वे यह जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है अतएव अन्य ग्रह अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों का पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी ना ही वे काल्पनिक लगेंगी हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कबल बन सकता है अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कह कर उनका तिरस्कार न करें व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था श्रीमदभागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम प्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया इनकी तुलना की की मलाई से की गई है। वैदिक मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो जिस प्रकार नवी नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है उसी तरह यह भागवत भी है क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी से भागवत सुनी जाए जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होता श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था व्यवसाय नहीं करना था उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था इसलिए श्रीमद् भागवत को ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है इसी तरह जो लोग द्रणता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं उन्हें ना तो भाग, भागवत का भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेकानेक श्रताओं श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है अतः यह समस्त वेदों का नवीन नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है थैंक यू जी. तो प्रोपाजी बता रहे हैं कि ये सु, बता रहे हैं व्यास देव ने इसे अपने पुत्र जो आत्मा साक्षात्कारों की श्रेणी में सबसे उत्तम है उनको प्रदान किया और सारे वेदिक ग्रंथों का क्रीम निकाल करके निचोड़ निकाल करके नवनीत मक्खन निकाल करके हमको दिया है ये है ना तो एक दूध का सबसे जो कंडेंस्ड फॉर्म या सबसे जो उसका इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो होता है घी या मक्खन बोलते तो मक्खन से घी निकलता है तो देखो घी सबसे कॉस्टली होता है और फिर धीरे धीरे जो है कॉस्ट कम होता जाएगा क्यों क्योंकि वो घी बहुत उसको चर्निंग करते, करते 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 वो निकलता है तो उसी प्रकार से ग्रंथों को चर्ण करने के बाद पूरा उसका मंथन करने के बाद इस भागवत को व्यासदेव निकाल के लाए हैं ताकि जन साधारण का कल्याण हो है ना तो जी बता रहे हैं कि ये कोई मिथ्य मैथोलॉजी नहीं है तो हम लोग को कई बार भागवत में कुछ चीजों में डाउट आएगा ऐसा कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र दूध का समुद्र अब हम लोग पानी का समुद्र देखे तो दूध का समुद्र के हमको कोई आइडिया ही नहीं है कि दूध का समुद्र कैसे हो सकता है और अब क्षीर सागर हम बोलते हैं ना तो क्षीर मतलब दूध तो दूध का सागर तो ये समझ के परे है तो प्रभाज बता रहे हैं कि भागवत में केवल इन ग्रहों की बात नहीं लिखी गई है अन्य भी ग्रहों की बात लिखी गई है भागवत में क्योंकि भागवत केवल इस, ग, इस ग्रह से बाधित नहीं है वो पूरे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में जितने भी सारे प्लैनेट्स है जितने भी सारे ग्रह हैं सब में जो भगवान लीलाएं चल रही है उसके बारे में वर्णन है जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देखोगे दो जगह पर भगवान राम का दो कलर बताया गया है एक जगह पे हरे रंग का बताया गया राम जी को दूसरे जगह में रक्त रूप में बताया गया और या नील रूप में बताया गया है ऐसे ही श्वेत वराह वक्त वराह है एक व्हाइट वरहादेव है और एक रक्त रेड वरहादेव है तो जब हम ये सब चीज सुनते हैं तो हम लोग लगता है ऐसे कैसे हो सकता है ये संभव नहीं हो सकता पर यहां पर चित्र की एक करोड़ पत्नियां थी अब आपको सोच के ही दिमाग घूम जाएगा एक करोड़ पत्नी कैसे हो सकती है तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के परे है इसका मतलब ये नहीं कि ये काल्पनिक है ये सब ऐतिहासिक है क्योंकि ये भागवत में लिखी गई है और स्वि... व्यास देव जी कोई फालतू टाइम पास करने नहीं बैठे वहां पर या सुखदेव गोस्वामी टाइम पास करने नहीं बैठे हैं कि एक व्यक्ति मरने जा रहा है दिन में और उसको कोई ऐसी काल्पनिक कथा सुनाएंगे नहीं वो हम जो भी चीज सुना रहे हैं वो और अगर भागवत में कोई काल्पनिक कथा है तो उसको काल्पनिक कहा गया फॉर एग्जाम्पल जब नारद मुनि प्राचीन भरिषद को सुनाते हैं एक उसकी कथा एक मतलब एक, एक स्त्री और पुरुष की कथा सुनाते हैं वहां पर तो उसको बोलते हैं एलेगोरिकल है कि वो जो है मैं आपको एक रूपक बता रहा हूं इसको रूपक के रूप में उसको समझाते हैं तो क्लियर मेंशन है कि वो एलेगोरिकल है इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज इमेजिनेशन है जैसे आजकल कुछ मूर्ख लोग ये बोल रहे हैं कि राम और कृष्ण तो इमेजिनेशन थे खाली इनसे अच्छे गुण सीखने के लिए समाज में इनको इनको हाईलाइट किया जा रहा है ये फुल मूर्खता है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है राम और कृष्ण के बारे में और ये लोग आए टिप्पणी देने के लिए भगवान के बारे में तो एक नंबर के मूर्ख है इनको कुछ भी आइडिया नहीं है तो इसलिए क्या है और हमारे ही धर्म के जो लोग हैं ये लोग भी मूर्ख बनते जा रहे हैं तो बाकी धर्म के लोग हमारे धर्म के लोगों को मूर्ख बोले जा रहे हैं और ये लोग मूर्ख बने हाँ हम तो मूर्ख है ही अरे अपने ग्रंथ को पढ़ोगे नहीं तो मूर्ख रहोगे ही रहोगे इसलिए अगर हम गीता भावतम नहीं पढ़ेंगे तरीके से रामायण नहीं पढ़ेंगे कुछ पता नहीं हम लोग को जब कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति सामने आ जाएगा तो हम कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे वहीं अगर आप उसको तरीके से समझाओगे तो वो क्यों नहीं समझेगा वो क्यों क्योंकि हमारे ग्रंथ में ऐसा ज्ञान है तो बोल रहे सार वस्तु है इसका कोई तोड़ नहीं है इसका कोई अः क्या बोलते सब नहीं है ऐसा महान ज्ञान हम लोग को सुखदेव गोस्वामी और ब्याज दे के जा रहे हैं तो इसलिए क्या है ये क्रीम ऑफ ऑल विधि लिटरेचर से भागवतम सारम सारम बार बार पढ़ना चाहिए बार 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 सुपठन सुविचारन बार पढ़िए बार बार विचार कीजिए इस पे तब तो आप देखोग इसका आपको जो अमृत तत्व है वो आपको निकल के आएगा और हम उसका स्वादन कर पाएंगे ठीक आगे बढ़ते महाराज परीक्षित प्रायोपविष्ट गंगायाषि हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ पढ़ी माता जी अभ्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परिचित को भागवत सुनाई जो तब निर्जल तथा निरा निराहार निरा मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे तत्पर सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं यह परंपरा कहलाती है जब तक भागवत को या अन्य पद्धति से प्रमाणिक नहीं माना जाता व्यास देव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी से इसे सुत गोस्वामी ने प्राप्त किया अतः भागवत का संदेश या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए किसी से नहीं महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए उन सबों ने उन्हें उनके कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकार मई व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए यही सभी बड़े-बड़े का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्री मद भागवत सुना और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया भागवत संदेश के वक्ता तथा दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए आ, तो कृपा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई क्यों अंत काले तमाम स्मरण मुक्ता कलेवरम ताकि वह अंत काल में भगवान को स्मरण कर पाए तो यदि भागवत पढ़ के हमारा भी स्मरण नहीं हो रहा है भगवान के प्रति और चिंतन मनन नहीं हो रहा है तो इसका लाभ नहीं है जैसे बहुत सारे भागवतकार जो हैं लाख लाख दस दस लाख पचास लाख रुपए लेकर के जो कथा करते हैं तथाकथित भागवतकार पैसों के लिए जो है और से पूरा नौटंकी बढ़िया से करते हैं नौ आठ नौ दिन एक भी भक्त नहीं बनता उसमें तो मैं खुद भी ऐसे कई सारे कथाओं में गया हूं पहले इस कौन माने से पहले और वहां जब वो लोग जो नाटक करते हैं जो रोते हैं वो लोग भगवान को याद करके और जो वहां पर रुक्मिणी विवाह होता है पूरा ऐसा तो सीन क्रिएट कर देते कि लगता है भगवान अभी ही उतर के आ जाएंगे इन लोग के लिए लेकिन सब नौटंकी है क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है एक बात जानिए हम लोग इतने भाग्यशाली क्यों है क्योंकि हम लोग को भक्ति का पद्धति मिला है तीन चीज है कोई भी शास्त्र का आ, कथन में तीन बातें आती है एक होता है संबंध ज्ञान दूसरा अभिधेय तीसरा प्रयोजन संबंध है भगवान से हमारा रिश्ता क्या है तो चलो ये भी भागवत बता देंगे कि भगवान से आपका संबंध क्या है वो कथाकार बता सकते हैं प्रयोजन तो बोलते ही है वो लोग कृष्ण प्रेम प्रयोजन है भगवान के साथ में करना ये करना। ये इंपॉर्टेंट है बट बहुत दिया। हाँ, आपको कोई भी आप संस्था में के जाइए ये जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है कि तुम साढ़े सार बजे मंगल आरती करो सवा पांच पे तुम जपा करो सवा सात पे गुरु पूजा करो आठ बजे भागोतम क्लास करो फिर प्रसाद लो फिर बुक डिस्क्रिप्शन सेवा करो या कोई किचन की सेवा करो ये जो अभिदेय प्रौपा जी ने हमको बना के दिया इतने बड़े बड़े मंदिर बना के दिए इतनी सेवाएं निकाल के दी ये बहुत मुश्किल है ये कोई नहीं कर सकता ये कोई नहीं कर सकता ये बहुत मुश्किल है जो चीजें इसीलिए प्रौपा जी इतने सफल हुए उन्होंने जो अभिधेय निकाल के दिया व्यक्ति के पापमय प्रवृत्ति को कैसे भगवत भक्ति में लगा देना ये जो मास्टर काम जो किया है शिला प्रौपा जी ने इसका कोई तोड़ नहीं है तो लोग भक्त अफकोर्स श्रवण एक माध्यम है लेकिन श्रवण के बाद फिर क्या तो इसलिए जब लोग आठ नौ दिन कथा सुन के आते हैं दो दिन हार्डली दो दिन उनके मन में रहता है कि हम जो है अब अच्छा जीवन जिएंगे वहां बड़े पंडाल में बोलते भी है आज से हम ये कर देंगे वो कर देंगे बट जैसे ही घर जाते हैं वही सेम टीवी शुरू वही बॉलीवुड के गाने शुरू वही फिल्म शुरू वही सुबह की चाय शुरू वही जो है गप शुरू सब भूल जाते हैं और कई लोग तो साल भर हर साल कथा में जाते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूं हर साल वृंदावन जाते हैं वो लोग आठ नौ दिन कथा होती है हर साल बट कुछ चेंज नहीं है जीवन में द तो ट्रांसफॉर्मेशन इज की आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा खुद से पूछिए नहीं आ रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है या तो आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो और या जो आपको सिखा रहा है वो ठीक से सिखा नहीं रहा है तो पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर जरूर आना चाहिए जब हम भागवत को पढ़ रहे हैं या भक्ति में जुड़े हुए हैं Most probably जब हम sincere भक्ति नहीं नहीं करते तो changes नहीं आता और का क्यों ना हो, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो कोई भी जाति का क्यों ना हो कोई भी वो प्रांत का क्यों ना हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी क्यों ना हो उसका हृदय परिवर्तन होगा अगर वो फॉलो करेगा तो अगर वो प्रपा जी के दिए हुए मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा तो हृदय परिवर्तन होगा जब बड़े बड़े कट्टर नास्तिकवादी लोगों को जी ने भक्त बना दिया विदेश में जाकर के तो तो हमारे अंदर तो फिर भी संस्कार है बचपन से थोड़े बहुत भगवान के लिए तो इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है जो प्रपा जी आप बता रहे हैं कि भाई ये जो ट्रांसिटल मैसेज है अगर आप गुरु परंपरा में सही से सुनोगे तब जाकर के आपका जो है उद्धार होगा और जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने अपने कानों को पूरी तरह से आ, सचेत अवस्था में रख करके जो है इस कथा को सुनी क्यों उनको इमरजेंसी थी कि भाई सात दिन मृत्यु आ रही है बट हम लोग को इमरजेंसी नहीं है हमको पता है अभी तो बहुत साल जीने हैं क्या पड़ी है सबके साथ ऐसा ही है माया ऐसा ढक रखी हम लोग को कल का हमारा ठिकाना नहीं है कल का कोई भरोसा नहीं हम जीवित है कि नहीं है लेकिन बहुत कन्विंस्ड है कि हम तो जीवन भर हम तो बहुत साल जीने वाले हैं तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो भागवत की कथा है अः इसको जब हम सुनते हैं आ, किसी भक्तों के कान से तो समझिए एक एक शब्द जो उसमें से निकल रहा है वो मेरे लिए कहा जा रहा है जब भागवत के एक एक जब आप पात्र को पढ़ते हो जैसे अजामिल का पढ़ रहे हो तो हम, हम मैं अजामिल लू और मैं ऐसा पाप कर रहा हूँ कर रहा हूँ या कर रहा था पिछले जन्म में लेकिन अगर मैंने भगवान का नाम नहीं लिया तो मेरा क्या गति होगा है ना तो जब हम प्रहलाद माज की कथा पढ़ते है, तो हमें ये सुना चाहिए कि अरे मुझे ऐसा भक्त बनना है प्लाज्मा जैसा मान लो अगर मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां पर हमारे घर वाले जो है हमको मार रहे पीट रहे हैं धमकी दे रहे हैं इंजेक्शन दे रहे हैं या बहुत पिटवा रहे हैं पहाड़ से फेंक रहे हैं आग में डाल रहे हैं तो मैं क्या करता मैं क्या करता तो इसीलिए क्या है कि जब हम भागवत पढ़ते हैं जब तक हम अपने आप को उन पात्रों में नहीं डालेंगे और एक एक शब्दों को हमारे ऐसे नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा रीडिंग जो है केवल एक समझो एक स्टोरी बुक पढ़ने सा हो जाएगा और पढ़ के भूल गए फिर तो इसीलिए क्या है हम लोग कई लोग आप में से भागवत पढ़ते हो लेकिन फिर भी हमारे हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग उसमें अपने आप को ढाल नहीं रहे हम भागवत को जब खाली स्टोरी बुक जैसे इन लोगों का होता है जो कथाकार जो सुन के आते हैं आज के आनंद की जय बोल करके भूल जाते हैं फिर पूरे सब चीज को है ना मैं कई लोगों को जानता हूँ जब हम उनके सामने भागवत बोलते है, तो बता रहे फलाद महाराज ना हाँ ऐसे से हुआ था ध्रुव महाराज ना हाँ, ऐसे से हुआ था अरे आप जानते हो लेकिन कोई असर नहीं पड़ा आपका उस पर हाँ मतलब वो डेफ इस में जो है बहरो कान में घुसा घुसा वो कथा तो उसका कोई असर नहीं होने वाला पहली बात तो बोलने वाला उतना शुद्ध नहीं है उसके भी मन में है, मनी 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 जब वो गा रहा है राधा कृष्ण का नाम ले रहा है आंख सांस रहा है तो किस लिए रो रहा है वो पैसे के लिए रो रहा है दे दो भाई दस लाख मेरे को दे दो दे दो मेरा घर अभी बनाना है मेरे को गौशाला बनानी है मेरे को ये करना है वो करना है पैसा के लिए बरो रहा है वो उसको ये नहीं पड़ी कि तुम्हारा उद्धार हो कि नहीं हो जब भागवत गाता है तो उसको क्या चिंता है कि सामने वाला व्यक्ति भगवत हम जाना चाहिए जैसे सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कह रहे हैं उनको क्या दरकार थी वो तो खुद संताम है लेकिन वो परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए कि उनकी चिंता थी कि परीक्षित महाराज को मेरे को इतना ट्रेन कर देना है सात दिन में कि जब अंतिम समय आएगा

था, बाजी कर ले, आ, कौन देखता है कोई तो देखने वाला नहीं है कि हम सोला कर रहे कितनी कर रहे कौन देखता है कि हम मोबाइल से खेलते खेलते माला कर रहे हैं कि हम सोते सोते माला कर रहे हैं गप मारते हुए माला कर रहे हैं कौन देखता है लेकिन मृत्यु के समय सब देख भगवान देखेंगे तुमने क्या किया एक फ्लैशबैक की तरह चलेगा सब कुछ और उस समय फिर रोना आएगा अरे बाप अरे बाप हरी हरी विफल जन्म अगुआनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई तो बोलते हरी हरी हे भगवान विफल है बेकार मैंने जीवन गुआई जीवन बर्बाद कर दिया मनुष्य जन्म पाइया मनुष्य जन्म को मिला राधा कृष्ण न भजिया राधा कृष्ण को न भजन करके जानिया सुनिया जानते हुए भी सुनते हुए भी जो है जानिया सुनिया विष खाई मैंने विष का पान किया है मैंने जहर खाया है हे भगवान अब मैं क्या करूं तो ये जो चीज है हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कैसे श्रवण करना चाहिए भागवत को भी इसकी पद्धति है तो एक होती है क्रम श्रवण और एक होती है जो क्रमहीन श्रवण हाँ क्रमयुक्त श्रवण क्रमहीन श्रवण तो ये बताते हैं आ, एक भक्त के किताब में पढ़ रहा था कि श्रवण दशा से स्मरण दशा क्यों नहीं आती हम लोग को हम जब श्रवण करते हैं तो उसके बाद कृष्ण का स्मरण होना चाहिए श्रवण कीर्तनम स्मरणम श्रवण अच्छा करोगे तो कीर्तन गाने का मन करेगा अच्छा करोगे तो फिर स्मरण स्मरण का मन होगा लेकिन क्यों नहीं होता क्योंकि हमारा जो श्रवण है है वो बहुत क्रमहीन कुछ भी सुन रहे हैं किधर भी सुन रहे हैं है सुन रहे हैं ध्यान नहीं लग रहा है नींद आ रही है उसमें या और कुछ और काम करते हुए सुन रहे दिन मन भटक रहा है इसके वजह से जो है ये क्रमहीन श्रवण के वजह से कीर्तन नहीं होता अच्छे से और फिर स्मरण नहीं होता अच्छे से और फिर धीरे धीरे श्रवण भी छूट जाता है तो ये कारण है यहाँ बता रहे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 43, दो है बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा कहा आ, आ गया एकदम फेमस श्लोक कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि कलो नष्ट दिशा में को दुनोदिता ये श्लोक छठवे प्रश्न का उत्तर है कृष्ण अपने धाम में जाने के बाद इस संसार में कौन धर्म का पालन करेगा इसके उत्तर में सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ पढ़िए माता जी यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ जिस मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अधिकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण सात सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्मा माया कहते हैं श्रीमद भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं अतः उनका रूप नाम यश सात सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक नहीं है वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति की व्यक्ति ही धर्म की धर्म की साहित्य का नियमन कर सकता है है की धन की वास्तविक का अर्थ ईश्वर को जानना ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना और इस भौतिक संसार का त्याग करके पश्चात अपने अंतिम गद, तत्व को जान जान लेना माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती उनमें से अधिकांश की तरह खाने-सोने, अपनी रक्षा करने तथा मेथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांश दया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं इस कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजस्व संस्करण बनी हुई है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई नहीं। वे इतने वे इतने अज्ञानी हैं कि शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पाते उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं वे इस संसार को त्यागने के पश्चात कुकर या सुकर बनने हेतु भी तैयार हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व अपने पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए जब तक उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापो से सब कुछ कर दिखलाया उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद श्री नारद मुनि के माध्यम से शील देव में श्रीमद भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोकन को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अतएव हमें श्रीमद्भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो श्रीमद्भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकते हैं वे अभिन्न हैं हरे कृष्ण कृष्णे स्वधाम उपगते जब कृष्णे स्वधाम अपने धाम को वापस चले गए धर्म ज्ञान आदि भी सह धर्म ज्ञान और आदि ये सबको अपने साथ लेके चले गए तब क्या हुआ कलो नष्ट दिशा में कलयुग के जो प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए पुराणार्को ये श्रीमद भागवतम एक सूर्य के समान अधिक बाहर निकल के आया है तो कृष्ण जैसे सूर्य एक तरफ जब आ, अस्त होता है तो दूसरे तरफ उदय होता है उसी प्रकार जब कृष्ण अपने शरीर को लेकर चले गए धाम में तो वो सूर्य अस्त हुआ लेकिन दूसरे साइड से भागवतम का सूर्य प्रकट हो गया तो और कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है इसलिए आज भी जो व्यक्ति भागवत को तरीके से पढ़ेगा और इसका श्रवण करेगा वो कृष्ण को अपने इर्द गिर्द पाएगा इसमें कोई दोरा नहीं है प्रपा जी कहते हैं भागवत में कि आप अगर सिंसली भागवत को पढ़ते हो तो आप कृष्ण को फेस टू फेस देखोगे इन भागवत के पेज में इन भागवत के तात्पर्य में इन भागवत के श्लोकों में इसमें गारंटी है इसकी तो, तो प्रपा जी बहुत लंबा तात्पर्य कहते हैं और पूरा इसका सारांश बताते हैं हम लोग को भागवत का कि श्रीमद भागवत का सारांश यही है एक बद जीवात्मा जो कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं उन लोगों को वापस अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित करा करके भगवत धाम पहुंचाना तो उस धाम का हम लोगों केवल इस भागवत में एक झलक मिलती है लेकिन अगर एक्चुअल में आप उसको जान जाओगे तो उससे बढ़कर कोई नहीं है वो जो सुख है वो जो आनंद है उस धाम की प्राप्ति का शुद्ध भक्ति का वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए बुद्धिमान लोग जो है इस भागवत का शरण लेकर के इस धाम के बारे में जानते हैं जानने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को उस तरह अनुरूप करके अंततः इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आइए आखिरी श्लोक पढ़ेंगे इस चैप्टर का फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर से भूरी तेजसा अहम चाध्य गम निविष्टस्तदु अनुग्रहात् सोहम वसराविष्यामि यथा धीतम यथामती पढ़िए लास्ट लोक ऑफ दिस चैप्टर हरे कृष्णा प्रभु जी ने पढ़िए हे hey विद्वान ब्रह्माणों जब सुखदेव वचन गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया तात्पर्य यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वाचन से कुछ धन कमाकर उसे उसे विषय भोग में लगाना है तो वैसा संभव नहीं है जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद भागवत सीख नहीं सकता है भागवत के समझने का यही रहस्य है नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा अन्य किसी से नहीं यही एकमात्र विधि है इसका कोई और विकल्प नहीं है सूर्य गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था शुभदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था उसी तरह सूद गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने शुद्ध गोस्वामी से सुना था केवल सुनना ही काफी नहीं मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करें निविष्ट शब्द बताता है कि सूद गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों में कानों से पिया भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के से का उल्लेख किया गया है 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 जिसका मन मन शुद्ध 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 नहीं 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 वह सावधानी सुन सकता जो नहीं नहीं सकता जो कर्म में उसका हो जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू बहुत ही सुंदर श्लोक है ये इस पे एक घंटा प्रवचन दिया जा सकता है लेकिन समय अभी नहीं है तो प्रप्पा जी इसमें बताते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बात तो सुखदेव गोस्वामी जी जब कह रहे थे कथा परिचित महाराज को तो सूत्र गोस्वामी वहां पर्सनली मौजूद थे इसलिए सुत गोस्वामी ने डायरेक्टली सुना है भागवत कथा को सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्टली और इसलिए वो डायरेक्टली बता रहे फिर इस सोनका दृष्टि को तो प्रपति लिखते हैं कि केवल सुनना ही काफी नहीं है एक व्यक्ति को रैप अटेंशन दे करके इसके तत्व को आत्मसात करना चाहिए मतलब इस पे सुनने के बाद मननम निधि आसनम चिंतन करना चाहिए इसको विचार करना चाहिए और अपने अंदर इसको ग्रहण करना चाहिए है ना ये भी जरूरी है और फिर पापाजी बताते हैं कैसे आप ध्यान लगा सकते हो भागवत सुनने में तो बता रहे हैं वो नो वन कैन पुट रैप अटेंशन इन हु इज नॉट प्योर इन माइंड अगर आप अपने मन में शुद्ध नहीं हो तो आपका ध्यान भागवत में नहीं लग सकता कौन मन में शुद्ध नहीं हो सकता जो व्यक्ति के कर्म शुद्ध नहीं है हु इज नॉट प्योर इन एक्शन ही कैनॉट हैव प्योरिटी इन माइंड और किसके कर्म शुद्ध नहीं होंगे जो अपने आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज की जिसकी एक्टिविटी आ, में गड़बड़ी है वो कभी भी अपने कर्मों में शुद्ध नहीं होगा और उसका मन शुद्ध नहीं होगा और इसलिए भागवत नहीं सुन सकता ये सब एकदम बेसिक चीज से आप क्या खाते हो आपका नींद कैसा हो रहा है हाँ आप अपने आप को कैसे बचाव करते हो और आप कैसा संग कर रहे हो हाँ, कैसा वो चीजें परिवेश आपका है उस पर डिपेंड करता है कि आप का मन भागवत में लग गया कि नहीं लगेगा इसलिए पहले आध्यात्मिक चीजों को तो सुधारना है ही लेकिन उससे पहले भी हमें अपने भौतिक परिवेश को सुधारना बहुत जरूरी है तो द फर्स्ट इट बिगिन तो जीवा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो उसमें अच्छा खाना मतलब शुद्ध खाना भोजन करना और शुद्ध बातें बोलना ये बहुत जरूरी है समय पे सोना समय पे उठना वही जो युक्त हार विहारा से युक्त कर्म चेतसु युक्त स्वप्न बोधासो बोधस्व योगो बहुत ही दुख का तो वही व्यक्ति योग प्रैक्टिस कर सकता है जिसका आहार निद्रा भय मैथुन युक्त है और जो एकदम जिसका ये युक्त नहीं है वो व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा तो इस प्रकार ये थर्ड कैंटो थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट कैंटो का खत्म हुआ और चौथा कम से कम चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते से जिसमें बहुत सुंदर स्टोरी आएगा व्यासदेव नारद मुनि का कैसे व्यासदेव जो है उन से हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने गुरुदेव को याद करते नारद मुनि आकर के उनका सारे शोक को दूर करते हैं और कैसे उनको इंस्पायर करते भागवत लिखने के लिए ये तीन चैप्टर पूरा चलेगा और बहुत इसमें बहुत सारी चर्चाएं आएंगी प्रपज जी बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखेंगे तो हम लोग एक एक पर्पट -पर 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 को पढ़ेंगे तो आप सबको बधाई हो तीन चैप्टर हमने पढ़ लिया एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते पूरा तो ये आप लोग की कृपा से हम भी पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है टोटल 19 चैप्टर है ऐसे ही करते-करते साल दो साल में हम लोग एक कांड पढ़ लेंगे कम से कम और ऐसे ही चलता रहा तो करते करते एक दिन पूरी भागवत पढ़ लेंगे तो इसीलिए हम यहीं पर विराम देंगे किसी का कोई प्रश्न है कुछ कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं हरे कृष्णा कोई प्रश्न है किसी का या कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं अच्छी बात है कोई प्रश्न नहीं हाँ कृष्ण प्रभु एक मिनट जी यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे प्रभु जी उनका सुन लेते पहले इसका थे। नहीं नहीं नहीं। नहीं। तो थे इसका मेंशन मेंशन मेरा प्रश्न कि में है पर हाँ गीता में ही है अहम आहा, आदिरी नाम भगवान बोलते हैं कि मैं सबका आदि हूँ बट मेरा कोई आदि नहीं है फिर जब ब्रह्म में कहा गया ना ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा सर उसका उनका कोई आदि नहीं है वो अनादि है लेकिन वो सबके आदि है ये है तो ऐसे और भी श्लोक है यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि जहाँ स्पष्ट मेंशन है कि भगवान का कोई आदि कोई अंत नहीं है अनंत तो उनको बोलते ही अनंत है वो और आदि तो ब्रह्म सीता के श्लोक में है ही तो आदि और अंत का तो हो ही गया और मध्य में तो भगवान खाली जो है अः अः लीलावश जो है इस संसार में आते हैं लीला करके वो चले जाते अपना वो हा तो हा नहीं है। हाँ, क्रिश्ण वो क्रिश्ण कि वही, वही कृष्ण है तो ये पूछ रहे हैं कि जो कृष्ण गोलो वृंदावन में है क्या वही कृष्ण इस धरती पर है यस तो ब्रह्मा जी के अभी पचास साल पूरे हो चुके हैं और ये जो सातवां मनवंतर वैवस्व मनु मनवंतर के अट्ठाईसवे दिव्य युग में द्वापरिक में जो कृष्ण आते हैं वो स्वयं स्वयं परम पून पुरुषोत्तम तो भगवान कृष्ण आते हैं और उसी युग में चैतन्य महापुर आते हैं उसके बाद कल युग तो ये वो दिव्य युग है जिसमें हम बड़े भाग्यशाली है कि साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण आए हैं और, है और साक्षात चैतन्य महापुर आए हैं नहीं, नहीं हर समय नहीं हर समय वासुदेव कृष्ण आते हैं पून पुरुषोत्तम जो पूर्ण अपने ऐश्वर्य को ऐश्वर्य नहीं माधुर्य को लेकर जो आते हैं वो इस युग में आए हैं भगवान द्वापर युग में आए माता जी आपका पूछ रहे थे हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ। ये पांडव पांच पांडव का के साथ तो भगवान थे हाँ, पर उनको जैसे हाल में थे ना वो सदा हाँ। तो ऐसा बोलते हैं ना हम जब कोई कर्म करते तो हाँ, तो उनका कुछ ऐसा था कि उनके साथ तो भगवान थे हाँ। समझ तो तो में नहीं आया नहीं आप बोले रहे कि उनके साथ भगवान थे और फिर भी क्यों इतना कष्ट आया उनको हाँ दुण वो दुण। हाँ ऐसे बोलते हैं ना हम अगर पहले जन्म में कुछ हमारा नहीं तो उनका जो कष्ट है वो उनके पाप कर्म कष्ट नहीं है ना ये उनके प्रारब्ध कर्मों से नहीं आता भगवान भागवत में कहते हैं यहा मनोग्रही हरिश्ता धनमशन है, है। मेरी जिस पर स्पेशल कृपा होती है मैं उसका सब कुछ हर लेता हूं तो ये क्या करते भगवान भगवान उन्हीं लोगों का हरते हैं जिन लोगों का जिनको भगवान कुछ देना चाहते हैं आप समझ रहे हैं तो भगवान जो है वो आ, हम जैसे लोगों का नहीं है क्योंकि भगवान को पता है कि अगर इसका कुछ हर लेंगे तो ये भक्ति छोड़ देगा इसलिए भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को ही ऐसे कठिन परिस्थिति में डालते हैं जहां पर जो है वो लोग और सीरियस बन जाते हैं भक्ति में

उनको इमिटेट नहीं कर सकते मतलब उनका अनुसरण नहीं अनुसरण करना है अनुकरण नहीं करना है मतलब उनको फॉलो करना है उनको इमिटेट नहीं करना हमें और ये चैतन्य प्रभु जी का बोले थे दस हजार साल कुछ था तो पांच हजार चले गए बोलते दस हजार साल का साल में जो भक्त आएंगे उनका हाँ। दस हजार साल तक ही वो जो भक्त आएंगे वही करेंगे हाँ। ऐसा बोलते पता नहीं दस हजार नहीं नहीं दस हजार हाँ तो नहीं ऐसा बोलते कौन बोलता है सुना है मैंने ऐसा नहीं तो आपको रेफरेंस देना चाहिए कुछ भी सुन लेने से थोड़ी होता है कोई ऐसा नहीं होता है जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं कोई भी चीज हम बात बोलते हैं तो हमें रेफरेंस देना चाहिए हम कहा पढ़े ये भागवत में लिखा है प्रोपा जी ने ऐसा कहा है ये सुनी सुनाई बातें मतलब तो दुनिया में तो लोग बोलते हैं कल के अवतार हो गया पैद, हो गया है अभी तो हम ऐसा थोड़ी मान सकते हैं तो इसलिए जब तक आप उसका सॉलिड प्रूफ नहीं है जैसे कोई लॉ कोर्ट में जब तक आप प्रूफ नहीं देते हो तब तक वो आपकी बात को नहीं मानी जाएगी तो इसलिए ऐसी आध्यात्मिक जीवन में जब तक कोई प्रूफ नहीं कोई आपको कुछ बात बोले तो उसको ऐसे ही नहीं सुन लेना बस मान लेना हाँ कोई बोल दिया तो हो गया कहाँ लिखा है क्या प्रूफ है उसका कोई भागवत में श्लोक में लिखा है या प्रौपा जी ने कहीं लिखा है तब उसको हमें मानना चाहिए नहीं तो कोई हमें बेवकूफ बना देगा हमारा भी भक्ति क्या वो, वो वो चला जाएगा समझे ना तो इसलिए क्या है, कि? आप मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए उसका तथ्य होना चाहिए कि, कि किसी आचार्य ने कहा है या कोई है उसका प्रूफ होना चाहिए तब जाके माना चाहिए ठीक है माता जी हरे कृष्णा ठीक है प्रभु जी जो हरे कृष्णा हरे राम जो महामंत्र है उसमें राम जो आ, राम नाम का जो उल्लेख होता है वो हाँ। राधा नाम से संबंधित है ये क्या ठीक है कुरुजी? हाँ, तो जब हम राम ले रहे हैं और राधा रण नाम है तो हम राधा रमन जी का नाम एक्चुअली याद करते हैं हरे जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है अब हरे राधा रानी भी हो सकती है सीता मैया भी हो सकती है लक्ष्मी जी भी हो सकती है क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है तो जब वो कृष्ण के साथ जुड़ जाती है तो वो राधा कृष्ण हो जाती है जब वो भगवान राम से जुड़ जाती है तो वो सीता राम हो जाते हैं जब वो नारायण से जुड़ती है तो वो लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है जिस रस में भगवान का नाम लिया जा रहा है उसी रस में उनकी अंतरंगा शक्ति भी काम करती है है ना तो ये रस की बात है तो इसमें अः तत्व में कोई भेद नहीं है और इससे जब हम कृष्ण को राम बोले तो हम राधिका रमन बोलते राधा रमन जी का मंदिर है ना वृंदावन में तो राधिका रमन जो राधिका राधा के साथ रमन करते हैं उनको याद कर रहे हैं यहाँ पर हम राम ठीक ठीक है है जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो हरे कृष्णा आपके लिए सबके लिए जानकारी है कि हम ये आने वाले छह तारीख से पनवेल में अपना नया प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका हम आ... जो है ग्रुप में भी शेयर कर देंगे अगर पनवेल में आपका कोई जानकार व्यक्ति जिसको आप जोड़ना चाहते हो प्रोग्राम से तो ये गणेश दत्त मंदिर करके है खांदा कॉलोनी में वो सिडको वाटर टैंक के पीछे है अभी हम जहां में स्थान में स्टार्ट कर रहे हैं हर सैटरडे प्रोग्राम होगा हर शनिवार शाम को साढ़े बजे से नौ बजे तक लगभग रहेगा तो अगर कोई लोकल वहाँ के लोग आपके जान पहचान में तो आप जुड़ सकते हैं उस प्रोग्राम से और धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर बहुत सारे और एक्टिविटीज करेंगे थैंक यू यस प्रोजित प्रोजी आपको कुछ कहना है अच्छा मैं हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ बोलिए प्रभुजी मैं ये मतलब जो हरे कृष्ण हरे राम जो महामंत्र है ना प्रभु जी हाँ ये राम राम का जो आप बोला था रमन जी भगवान श्री कृष्ण का ये 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 है ना ये हाँ रामायण का नहीं है भगवान श्री कृष्ण है ना प्रभु जी हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट यस यस थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद शिला की जय जय जा,